हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में और आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2020 और ये उन्तीस सौ पर क्लोजिंग दिया है इसमें लगभग इक्यावन रुपये की गिरावट देखने को मिली है और इस स्टॉक का फिफ्टी वीक हाई पैंतीस सौ देखने को मिल रहा है और इसका 52 वीक लो बारह सौ देखने को मिल रहा है दोस्तों इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को हम लोगों ने एल पर एक प्री रिजल्ट एनालिसिस किया था उस समय एल का शेयर भाव पच्चीस सौ चल रहा था और उस वीडियो में हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि इसके लगातार क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं तो इनके क्वार्टर टू के भी रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिलेंगे और इस शेयर का जो शेयर भाव ऊपर जाएगा ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि ये तकरीबन 3000 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है 3000 के स्तर पर ट्रेड करने से पहले इसने 3500 का भी स्तर देखा था तो दोस्तों एल का रिजल्ट क्वार्टर टू का और हाफ ईयरली रिजल्ट जो है आउट हो चुका है जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं बी एस के वेबसाइट में और ये तकरीबन उन्नीस बज करके पचपन मिनट में ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एल के क्वार्टर uh, टू के रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसके शेयर भाव पर चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में इसके शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग एल के क्वार्टरली रिजल्ट और सिक्स मंथ इंडेड रिजल्ट भी देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इनके रिजल्ट को क्वार्टरली रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2019 में एल टी आई मिलियन का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर के तीस मिलियन का हो गया तो इनके ईयर ऑन ईयर में क्वार्टरली बेसिस में इनके रिवेन्यू में लगभग 14 परसेंट का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है और सेम पीरियड में दोस्तों अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2019 में छत्तीस मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर के चार करोड़ का देखने को मिल रहा है तो सितंबर 2019 के रेस्पेक्ट में सितंबर 2020 में इनके नेट प्रॉफिट में 27% परसेंट का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है तो इस हिसाब से दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं अब दोस्तों इसके रिजल्ट को हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मिलान कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जून क्वार्टर में इसने तीस हजार एक सौ पचास मिलियन का रिवेन्यू रिपोर्ट किया था जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़कर के तीस हजार तीन सौ इक्यावन करोड़ का देखने को मिल रहा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके रिवेन्यू में लगभग एक परसेंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में इसने चार मिलियन का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़कर के चार मिलियन का देखने को मिल रहा है तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनके रिवेन्यू में लगभग 10 परसेंट का जंप देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि एल के जो क्वार्टरली रिजल्ट है न केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बेसिस पर भी काफी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं अब दोस्तों इसके सिक्स मंथ इండెड पीरियड का भी रिजल्ट मिला लेते हैं कि सिक्स मंथ इండెड पीरियड में इनके रिजल्ट कैसे देखने को मिले हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2019 में इनके जो हाफ ईयरली रिजल्ट रहे थे उसमें ये 52504 मिलियन का रिवेन्यू रिपोर्ट किया था जो कि 2020 के हाफ ईयरली पीरियड में इसने 60501 मिलियन का रिपोर्ट किया है यानी कि इनके हाँ में पिछले साल के बनिस्पत इस साल लगभग का ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि काफी बेहतरीन है और सेम पीरियड में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेप्टेम्बर में सात हजार एक सौ मिलियन का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि 2020 सितंबर क्वार्टर में इनका हाफ ईयरली रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट 8732 करोड़ का देखने को मिल रहा है तो इनके नेट प्रॉफिट में हाफ ईयरली ईयर के बेसिस में अगर हम लोग देखें तो इसमें 22% परसेंट का इनके नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एल में न केवल क्वार्टरली रिजल्ट बल्कि हाफ ईयरली रिजल्ट में भी इसके रिवेन्यू और नेट प्रॉफ़िट में काफ़ी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है तो एल के जो रिजल्ट आए हैं दोस्तों क्वार्टर टू के वो हर तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जैसे कि टी के रिज़ल्ट काफ़ी शानदार रहे थे इन्फोसिस के रिज़ल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिले थे और माइंट्री के भी रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिले थे एच टेक के भी रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिले थे उसी प्रकार एल के रिजल्ट भी काफी शानदार आए हैं जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था तो दोस्तों अब हम लोग ये काफी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एल के शेयर में काफी तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है तो अब दोस्तों चूंकि रिजल्ट इनका जो आया है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है तो कल यानी इक्कीस अक्टूबर को मार्केट इसके रिएक्शन रिजल्ट पर किस प्रकार का रिएक्शन देता है ये हम लोग कल ही देख पाएंगे तो दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग एल के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं और ये डेली चार्ट देखने को मिल रहा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एल टी आई रुपये पर क्लोजिंग दिया है और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये इसका 50 एमा का ग्राफ है ये येलो ये लाइन जो है वो 100 एमा का ग्राफ है और रेड लाइन है 200 हंड्रेड का ग्राफ है तो हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं दोस्तों कि एल का जो शेयर है वो 100 एमा फिफ्टी एम और टू हंड्रेड एम तीनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि इनके चार्ट पैटर्न काफ़ी बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं जैसे बाकी के आईटी कंपनियों के चल रहे हैं और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं और इसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आए हैं तो हम लोग ये पूरे पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि जो स्टॉक अभी तीन चार दिन पहले तकरीबन पैंतीस का हाई लगाया था तो आने वाले कुछ दिनों में ये वापस जो है पैंतीस सौ के हाई को छूता हुआ हम लोग इसको देख पाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाया कि हम लोगों ने जो पाँच अक्टूबर के पुराने वीडियो में जो अनुमान लगाए थे वो काफ़ी सटीक साबित होते हुए दिख रहे हैं और एल के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी मजबूत हैं और इसने अपना क्वार्टर टू का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा पेश किया है तो आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी तेज़ी बनते हुए हम लोग देख सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को वॉच किया इसके लिए आपका धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार